नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस में तीसरी इकाई में टॉपिक दिया हुआ है लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो जो सेकंड वाला पेपर है आपका भारतीय राज व्यवस्था बीए पार्ट सेकंड का भारतीय राज व्यवस्था, उसमें तीन टॉपिक आपके दिए हुए हैं, निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो निर्वाचन आयोग की अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, आज अपन चर्चा करेंगे लोक सेवा आयोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोक सेवा आयोग, राज्यों की लोक सेवा आयोग अलग हैं, केंद्र की लोक सेवा आयोग अलग हैं। ठीक है, तो जो केंद्र का लोक सेवा आयोग है उसको कहा गया है यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे मान लीजिए यहाँ अपन राजस्थान की बात करते हैं तो जैसे आरपीएससी। ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यू और आर का जो डिफरेंस है वो एक ही अक्षर का डिफरेंस है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग और आरपीएससी से राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसको अनुच्छेद 315 में डिफाइन किया गया है भाग 14 के तहत, अनुच्छेद 315 में। तो ये बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है कि जो लोक सेवा आयोग है उसको कौन से अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 315। तो इसके तहत अपन तीन चार बातें अपन पढ़ेंगे कि लोक सेवा आयोग क्या करता है, उनकी लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में अपन बात करेंगे और जो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य हैं। तो अपन तीन बिंदुओं पर यहाँ अपन चर्चा करेंगे कि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किस प्रकार से, जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, हटाने की प्रक्रिया और लोक सेवा आयोग के कार्य। तो ये जो तीनों बिंदु हैं आपके छोटे छोटे बिंदु हैं, तो अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि लोक सेवा आयोग का क्या कार्य है। तो लोक सेवा आयोग का जो सबसे प्रमुख कार्य है कि पूरे प्रशासन को चलाने के लिए कुशल जो व्यक्ति हैं उनका चयन करके सरकार को सौंपना, यानी कि जो लोक सेवा आयोग है परीक्षा के माध्यम से जो अच्छे पढ़े लिखे जो गुणवान व्यक्ति हैं उनका, योग्य व्यक्तियों का चयन करके सरकार को सौंपना है और वो सरकार के माध्यम से प्रशासन को संभालने का कार्य करते हैं। तो लोक सेवा आयोग का माध्यम ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। तो संसदीय लोकतंत्र में लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आयोग प्रशासन को कुशलता से चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करके सरकार की मदद करते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो लोक सेवा आयोग का जो कार्य है वो अच्छे व्यक्तियों का चयन करना है ताकि वो प्रशासन को अच्छे रूप से चला सकें। भारतीय संविधान के भाग 14 अध्याय 2 के अनुच्छेद 315 में संघ व राज्यों के लिए पृथक पृथक लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद भाग 14 में अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग का यहाँ गठन किया गया है। लोक सेवा आयोग को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है, यानी कि कार्यपालिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत में पहला लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया था, यानी कि ली आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। 1924 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई और इसे लोक सेवकों का चयन तथा अन्य कार्य सौंपे गए थे, यानी कि लोक सेवकों का चयन इसका मुख्य कार्य था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के उपबंधों के अधीन संघ लोक सेवा आयोग स्थापित होने पर इसके कार्यों का और विस्तार कर दिया गया, यानी 1935 के अधिनियम के बाद जो है इसके कार्यों को और बढ़ा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो यह व्यवस्था की गई कि संघ सरकार के लिए तथा राज्यों में पृथक पृथक आयोग गठित किए जाएं, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो ये प्रावधान किया गया कि एक संघ के लिए और राज्यों के लिए पृथक पृथक लोक सेवा आयोग गठित किए जाएं। दो या अधिक राज्यों का एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग भी गठित किया जा सकता है, यानी कि दो या अधिक जैसे राज्य मान लीजिए छोटे राज्य हैं तो उनका एक लोक सेवा आयोग भी गठित किया जा सकता है। ये तो हो गया एक तरह से लोक सेवा आयोग का जो आपका सामान्य सा परिचय, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
1990 से संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं, यानी कि 1990 से। सदस्यों की संख्या 10 सदस्य हैं, यानी कि 1990 से लोक सेवा आयोग में 10 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे मान लीजिए इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, यहाँ राष्ट्रपति। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो यहाँ आप ध्यान रखें राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। राज्यों में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। जैसे मान लीजिए राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग है, तो वहाँ उन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। संविधान में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। यानी कि संविधान में ये बात कही गई है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे उनमें कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें 10 वर्ष का कम से कम प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कम से कम आधे सदस्य, लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यभार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु को प्राप्त करने तक, यानी कि पदावधि की बात अपन यहाँ करते हैं, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। और जो राज्य लोक सेवा आयोग की अपन बात करते हैं, राज्य आयोग की यहाँ अपन बात करते हैं, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। यानी लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों का जो कार्यकाल पूछा जाएगा अध्यक्ष का, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आप याद रखें, यह आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यभार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु को प्राप्त करने जो भी पहले हो सकता है, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक निश्चित किया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक फिक्स किया गया है। अपनी कार्य अवधि की समाप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर काम नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य रिटायर हो जाता तो उसके बाद वो भारत सरकार के किसी पद पर कार्य नहीं कर सकता, किंतु वह संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग को कोई अध्यक्ष के अलावा यहाँ बात हो रही है, तो वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या राज्य लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बन सकता है, इसके अलावा वो किसी पद को धारित नहीं करेगा। अब जो सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, संघ लोक सेवा आयोग की जो सदस्य हैं उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, तो संविधान निर्माताओं द्वारा यह जरूरी समझा गया कि लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता को बरकरार रखा जाए, सरकार उनके मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप न कर सके। यानी कि जो संविधान निर्माता उन्होंने भी सोचा कि लोक सेवा आयोग की जो स्वायत्तता है उसको स्वतंत्र रखा जाए, उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, क्योंकि आयोग की स्वायत्तता ही उन्हें सक्षम निकाय बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में सदस्यों को अपदस्थ करने की विधि का वर्णन किया गया, यानी कि 315 में संघ लोक सेवा आयोग को परिभाषित किया गया, 317 में सदस्यों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नियुक्ति के बाद सरकार सदस्यों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए लोक सेवा आयोग के सदस्य चुने गए, तो चुनने के बाद उनकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता और न ही उन्हें मनमाने ढंग से हटाया जा सकता है। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को प्रमाणित दुराचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, यानी कि उन पर किसी प्रकार का जब आरोप सिद्ध होता है तो उसी के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। दुराचार को प्रमाणित करने की प्रक्रिया संविधान द्वारा निश्चित की गई है, यानी कि वो दुराचार की जो प्रक्रिया है वो संविधान द्वारा उल्लेख किया गया है, संविधान द्वारा निश्चित की गई है।
राष्ट्रपति द्वारा ऐसा मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ पेश किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो ऐसा मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ पेश किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात न्यायालय अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को पेश करेगा, यानी कि न्यायालय के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और फिर जो न्यायालय अपना जो परामर्श है वो राष्ट्रपति को पेश करता है। इस जांच के पूरा होने तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्यपाल निलंबित कर सकता है, यानी कि जब तक उस सदस्य के बारे में जांच चलती है तब तक राष्ट्रपति उस सदस्य को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को निम्न कारणों से अपदस्थ कर सकता है, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग हो, तो वो कारण निम्न है, उन कारणों के आधार पर उस सदस्य को जो है राष्ट्रपति अपने उसके पद से मुक्त कर सकता है या उनको हटा सकता है। वह दिवालिया हो, वह अपने कार्यकाल में कोई अन्य संवैधानिक कार्य स्वीकार कर ले, यानी कि जब वो पद पर है तो अगर कोई दूसरा कार्य उसने स्वीकार कर लिया संवैधानिक कार्य, तो उसको जो है राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, यानी कि उस पर किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक दबाव है या किसी कारण शारीरिक कष्ट के कारण वो अपने पद का उपयोग करने में अगर असमर्थ है तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या इसके लिए किए गए किसी संविदा या समझौते से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का संबंध हो तो उसको दुराचार माना जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 217 में बात कही गई है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इसके लिए किए गए किसी संविदा या समझौते से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का संबंध हो तो उसको दुराचार माना जाएगा, यानी कि पद पर रहते हुए अगर उसने किसी प्रकार का अन्य कोई समझौता या दुराचार कार्य किया है तो उसका वो जो कार्य है वो दुराचार माना जाएगा, और अध्यक्ष या सदस्य का संबंध हो तो उसको दुराचार माना जाएगा तथा इस आधार पर उससे अच्युत किया जा सकता है, यानी इस आधार पर उसको पद से हटाया जा सकता है। तो ये कारण है कि वह दिवालिया हो, अपने पद का उपयोग करने में असमर्थ हो, या किसी प्रकार का उसने पद धारित कर लिया हो, या किसी समझौते से उसका संबंध हो, तो राष्ट्रपति इन कारणों से उसको उसके पद से हटा सकता है। तो ये उसके हटाने की प्रक्रिया हो गई। अब जो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं वो कौन कौन से, यानी कि जो लोक सेवा आयोग है वो कैंडिडेटों के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है, फिर उनका चयन वगैरह साक्षात करते सरकार को उनकी नियुक्ति सौंपता है प्रशासन संभालने के लिए। तो लोक सेवा आयोग के कौन कौन से कार्य हैं वो यहाँ हैं। संघ या राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना, यानी कि संघ और राज्य की सेवाओं के लिए उनको नियुक्ति देने के लिए जो परीक्षाओं का जो कार्य है वो लोक सेवा आयोग करवाता है। यदि दो या अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से संयुक्त नियोजन अथवा भर्ती के लिए आग्रह करें तो इस प्रकार की योजनाएं बनाने में राज्यों की सहायता करना, यानी कि अगर राज्य संघ लोक सेवा आयोग के लिए पहल करते हैं कि परीक्षाएं एक साथ आयोजित किए जाएं तो ये कार्य भी संघ लोक सेवा आयोग करता है। संघ तथा राज्य सरकारों को निम्नलिखित मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करना अपेक्षित है, यानी कि लोक सेवाओं में भर्ती के तरीकों के सभी मामलों पर जो राज्य लोक सेवा आयोग है संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर सकते हैं। लोक सेवाओं में नियुक्ति और पदों के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण और पदोन्नति के मामलों पर, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है तो नियुक्ति व पदों के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए, या एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया जाना चाहिए, तो इस बात पर भी जो लोक सेवा आयोग है वो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर सकते हैं। अनुशासनात्मक मामलों पर तथा शासकीय सेवाओं में रहते हुए घायल हो जाने के कारण पेंशन देने के मामले पर, तो ये जो मोस्ट हैं वो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। आयोग का कर्तव्य है कि वह अपने कार्यों का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को पेश करे। इसी प्रकार जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन पेश करे, और राज्यपाल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनसे आयोग की सलाह स्वीकार कर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। इस प्रकार लोक सेवा आयोग का कार्य जो है एक सलाहकारी कार्य है।
संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अनुसार सरकार को आयोग के परामर्श को मानने के लिए मजबूर किया जा सके। तो ये जो है लोक सेवा आयोग के कार्य माने गए हैं। तो ये जो लोक सेवा आयोग की जो प्रक्रिया है, कार्य प्रणाली है, वो मैंने आपको यहाँ बताई है। एक बार मैं दोबारा से यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग 315 के तहत परिभाषित किया गया है भाग 14 में, तो छोटा सवाल आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। 1900 नंबर में जो लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष सहित 10 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, जो इनकी पदावली है, संघ लोक सेवा आयोग की अपन बात करते हैं तो उनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष, राज्य लोक सेवा के संबंध में अपन बात करते हैं तो उनकी जो नियुक्ति होगी वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की होती है। जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो राज्यों के लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त होंगे उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति उनको हटाता है पद से, उन पर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध होता है तो। और जो कार्य है वो मैंने बता दिया कि योग्य व्यक्तियों का चयन करना या लोक सेवा आयोग जो है संघ लोक सेवा आयोग से निम्न मामलों पर परामर्श करता है, जैसे मान लीजिए किसी की नियुक्ति की प्रक्रिया का कौन सा सिद्धांत है, स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाए, ये सब जो कार्य हैं वो लोक सेवा आयोग के माने गए हैं। तो ये मैंने जो लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो मैंने यहाँ मोटे मोटे आपको यहाँ बताए। तो आप इस चीज़ में से कहीं से भी आपसे छोटा सवाल या बड़ा सवाल पूछा जा सकता है तो इसको आप बार बार पढ़ते रहिए, बुक्स के माध्यम से भी इसको पढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ रह गई हो तो आप बुक्स का सहारा भी यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, लिखने की प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करते रहिए। आगे वाली क्लास में अपन आगे वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, थैंक यू।